भय्यू महाराज आत्महत्याकांड में आज भय्यू महाराज के प्रमुख सेवादार विनायक दुधाले द्वारा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया गया। उसने यह कहा है कि उसे महाराज का करीबी और उनकी पत्नी आयुषी के संपर्क में रहने वाला एक व्यक्ति धमका रहा था, इसीलिए वह अपने गांव चला गया। आज़ाद नगर CSP अगम जैन द्वारा यह कहा गया कि पुलिस टीम विनायक के गांव लूनी हवेली भेजी गई थी, लेकिन वह वहां नहीं मिला। उसके बाद उसे दो बार नोटिस भेजी गए, लेकिन वह नहीं आया। अचानक वह शुक्रवार की शाम को आ गया और उसने कहा कि महाराज को कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा था। जिस कैलाश पाटिल ने गुरुजी को बदनाम किया, वह ड्राइवर नहीं था, वह अस्पताल की एम्बुलेंस चलाता था। उसने महाराज के 8 करोड़ रुपये ले जाने के आरोप से भी इनकार किया और कहा कि चाहें तो नार्को टेस्ट करा लें। CSP का यह कहना है कि उसने जो भी बात कही है उस पर जांच होने तक क्लीन चिट नहीं दी जाएगी। सभी आरोपों की बारीकी से जांच की जा रही है। इसी बीच यह भी पता चला है कि विनायक के साथ महाराज से आए उसकी बुआ के लड़के उदय थेरकर ने भी कहा कि महाराज की मौत के बाद विनायक को लगातार कुछ लोगों द्वारा धमकियाँ मिल रही थी, क्योंकि महाराज ने उसे संपत्ति और ट्रस्ट का सर्वेसर्वा घोषित किया था, इसीलिए वह अपने परिवार के पास चला गया था। आयुषी के करीबी राजुरकर भी के ऊपर भी धमकाने का आरोप लग रहा है। उसने यह भी कहा कि राजुरकर लगातार उसे धमका रहा है।